हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राज्य सरकारी जॉब 24 में। तो फ्रेंड्स, आज किस वीडियो में बात करने वाले हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के न्यू रिजल्ट्स के बारे में। जब फ्रेंड्स, कोटा यूनिवर्सिटी ने बीएससी पार्ट थर्ड का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। आज रात देर में ही इसका रिजल्ट जारी किया गया था। तो आज किस वीडियो में बात करने वाले हैं कोटा यूनिवर्सिटी बीएससी थर्ड ईयर का रिजल्ट आपको अपने लैपटॉप पीसी मोबाइल से कैसे चेक करना है, इसका स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि आपको किसी भी यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट जॉब से संबंधित हर प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको लगातार मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, अपना रिजल्ट आपको चेक करने के लिए सबसे गूगल पहले आपको गूगल ओपन कर लेना है और गूगल में आपको सर्च कर लेना है कोटा यूनिवर्सिटी। जैसे आप कोटा यूनिवर्सिटी सर्च करेंगे, पहला वेबसाइट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, वेलकम टू कोटा ऑफ यूनिवर्सिटी। आपको इसमें क्लिक कर देना है, आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर रिजल्ट्स एंड एग्जामिनेशन का ऑप्शन दिया गया है, इसमें आपको क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट पेज आपका यहाँ पर जो रिजल्ट पैनल है वो ओपन हो जाएगा, जिसमें वगैरह सब कुछ देखने को मिल जाता है। जिसमें आपको रिजल्ट्स पैनल का ऑप्शन दिया गया है, आपको इस रिजल्ट्स पैनल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपका यहाँ पर जो है डिटेल्स आपको इंटर करनी होगी, जैसे कि आपको यहाँ पर सेलेक्ट ईयर आपको 2023 सेलेक्ट कर लेना है। आपको ईयर से 2023 से यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद रिजल्ट टाइप में आपको मेन सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर यूजी पीजी कोर्सेज में आपको यहाँ पर यूजी सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपकी क्लास आपको सेलेक्ट कर लेना है, जिसका भी रिजल्ट आया है उन सभी की लिस्ट आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगी। तो बीकॉम का आप सभी का यहाँ पर आ चुका है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का, और साथ ही साथ यहाँ पर देखते हैं बीएससी पार्ट थर्ड का लास्ट में ही देखने को मिल जाता है, आपको उसमें क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देख सकते, सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या क्या सेलेक्ट करना होगा, 2023 सेलेक्ट कर लेना है, मेन सेलेक्ट कर लेना है, फिर यूजी सेलेक्ट करेंगे, फिर आपकी बीएससी पार्ट थर्ड एग्जाम 2023 सेलेक्ट करने के बाद प्रोसीड फॉर रिजल्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज आपका डायरेक्ट लिंक का ओपन हो जाएगा। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, ठीक है। फिलहाल ये वर्क नहीं करेगा, तो मैं आपको जस्ट इसी का पीछे वाला डिटेल्स वाला लिंक मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, जहाँ से आपने डिटेल्स डालकर आपको यहाँ पर रिजल्ट चेक करना होगा, ठीक है। क्योंकि ये जो डायरेक्ट लिंक है अभी वर्क नहीं कर रहा है, मैं चेक कर लिया, ठीक है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, इसलिए पिछले वाला लिंक आपको दे दूंगा, जहाँ से आपको यूजी पीजी सब्जेक्ट आपको क्लास सेलेक्ट करनी होगी, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर आने के बाद आपको रिजल्ट दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो आपका यहाँ पर रोल नंबर, और यहाँ रोल नंबर अपनी मदर्स नेम डेट ऑफ बर्थ इंटर करके और अपने नेम से भी निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका यही है कि आपका नेम आपको डालना है, अपने पिताजी का नाम यहाँ पर डालना है, प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका रिजल्ट है जो लिस्ट है ये ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपका जो नेम आएगा आपके नेम के ऊपर क्लिक कर देना है, क्लिक करने के बाद आपका रिजल्ट आपके सामने शो हो जाएगा। मेरे पास कोई भी कैंडिडेट की इन्फॉर्मेशन उपलब्ध नहीं है, इसलिए मैं आगे का प्रोसेस आपको नहीं बता सकता। आप हमारी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है, उसको देखकर आप आगे का प्रोसेस पता कर सकते हैं। यदि मेरे द्वारा भी आप रिजल्ट चेक करवाना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम पर या फिर आपको व्हाट्सएप में मैसेज कर देना या फिर कॉमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना, अपने आपका नेम और पिताजी का नेम या फिर आपका रोल नंबर, माता का नेम, डेट ऑफ बर्थ, दोनों में से कोई भी डिटेल्स आपको शेयर कर सकते हैं, तो आपका रिजल्ट आपके आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाएगा, ठीक है। वीडियो में जानकारी आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।